दोस्तों आज की कहानी है जब ठगे गए गणेश जी। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई न देता था परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा एवं विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से ही करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों से कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करो, अगर तुम्हारे आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी उधेड़तुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा,
यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल पड़ा तथा बुढ़िया की आंखें की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी गणेश जी जब ठगे गए थे उनके बारे में थी। गणेश जी को हम सबका नमन है, और जो जो गणेश जी को मानते हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।